नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 3 दिन में आज लगातार दूसरी बार विरार में हुई फायरिंग। 2 साल पहले फायरिंग में बाल बाल बचा आसाराम राठौड़, आज फिर दोबारा हुआ फायरिंग का शिकार। इस बार फिर नसीब ने दिया साथ, बच गई जान। विरार पूर्व के चंदनसार परिसर में आज फिर एक और फायरिंग की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि शनिवार को विरार पूर्व के डीमार्ट के पास 2 बाइक सवार ने 4 राउंड फायर करते हुए समय चौहान नामक युवक को मार गिराया था। पुलिस अभी इस मामले का पूरी तरह खुलासा कर पाती, इससे पहले ही आज शाम को 6 बजे के करीब अज्ञात आरोपी ने 2 राउंड फायर करते हुए 49 वर्षीय व्यक्ति आशाराम सदाशिव राठौड़ को गंभीर जख्मी कर दिया। यहाँ तो इसी आशाराम के ऊपर 2 साल पहले भी फायरिंग की गई थी, तब आशाराम मरने से बाल बाल बच गया था। आज की फायरिंग में भी आशाराम जख्मी हुआ है और नसीब ने फिर आशाराम का साथ दिया, आशाराम की जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही विरार पुलिस एवं जोन 3 पुलिस उपायुक्त ने घटनास्थल का दौरा करते हुए जख्मी आशाराम से मुलाकात की। जख्मी आशाराम को विरार के संजीवनी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शाम के 6 बजे आशाराम सदाशिव राठौड़ 49 वर्ष के ऊपर अज्ञात आरोपी ने पतरे की दुकान में छिपकर 2 राउंड गोली चलाई एवं बाइक पर फरार हो गया। आपको यह भी बता दें कि 2 वर्ष पूर्व सितंबर महीने में भी एक आरोपी ने आसाराम के ऊपर गोलीबारी की थी। फिलहाल विरार पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आरोपी की तलाश शुरू कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सेवा से संबंध